नमस्कार साथियों साथियों, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के एग्ज़ाम में पूछे गए जीके का 3/15/3/2023 को शिफ्ट सेकंड की बात कर रहे हैं। दोस्तों हम बात करेंगे जीके का। दोस्तों जैसे कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा, भारत विश्व बैंक समूह के निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है। दोस्तों भारत निवेश निवेदों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जबलपुर में उच्च न्यायालय भवन का शानदार वास्तुकला की प्रभावशाली हवेली का निर्माण किसने कराया था। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राजा गोकुलदास। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डकवर्थ लुइस पद्धति शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जाता है। दोस्तों इसका उपयोग खेल में किया जाता है। खेल की बात करें तो क्रिकेट में किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्ष खाली स्थान में सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो समूह यानी गरमपंथी आतिवंथीवादियों और नरमपंथियों में विभाजित हो गई थी। दोस्तों सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुगल सम्राट बाबर ने किस किले को हिंद के किलों के बीच मोती के रूप में वर्णित किया था। दोस्तों ग्वालियर के किला को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मध्य प्रदेश में मराठी साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है। दोस्तों भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में सरूमरु के अवशेष प्राचीन खालिस्तान परिषद स्थल है। दोस्तों सरूमरु मठ है बौद्ध धर्म का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डेविस कप किस खेल से संबंधित है। दोस्तों डेविस कप टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पंडित कुमार गार्धव अपने खालिस्तान के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों गायन के लिए जाने जाते हैं। कोटियट्टम केरल का एक पारंपरिक खालिस्तान रूप है। दोस्तों रंग रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान में संशोधन करने के लिए संसदों की शक्ति किस अनुच्छेद में अंतर्गत है। दोस्तों 368 के अंतर्गत है। बेबलेन उत्पाद में खालिस्तान होता है। दोस्तों ऊपर की ओर उठा हुआ मांग वक्र। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सत्येंद्र सिंह लोहिया किस खेल के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों सत्येंद्र सिंह लोहिया मध्य प्रदेश के हैं, ये तैराक से संबंधित हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की साक्षरता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। दोस्तों मध्य प्रदेश का भारत में साक्षरता की दृष्टि से 28वां स्थान है। सरकार व्यापार प्रतिबंधों को कैसे नियंत्रित करती है। दोस्तों औद्योगिक नीति अधिनियम 1991 के द्वारा करती है। दोस्तों महाजनपदों में कितनी रियासतें थीं। दोस्तों 16 रियासतें थीं। किस गायन को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 दिया गया। दोस्तों गायक आशा भोसले जी को दिया गया। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर खालिस्तान नदी किनारे स्थित है। दोस्तों बुरहानपुर ताप्ती नदी किनारे स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित किस स्थान पर लोकप्रिय रूप से अनेक अजूबों की पहाड़ियां स्थित है। दोस्तों यह आपके चित्रकूट में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी अनुपजाऊ यानी बंजर मिट्टी होती है। दोस्तों जो नमकीन मिट्टी होती है, खारी मिट्टी और अनुपजाऊ मिट्टी होती है। दोस्तों ये जीके कंप्लीट हो चुका है आपका 15 मार्च का। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपके दूसरे शिफ्ट का।